डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। वाणिज्य के प्रमुख शब्द पढ़ने के क्रम में आज हम आपसे एक नए शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे जानना वाणिज्य पढ़ने के लिए नितांत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, वो शब्द है गुड्स। इसको हिंदी में माल कहा जाता है और इंग्लिश इसकी होती है गुड्स। आपने गुड शब्द को पढ़ा होगा, GOOD, गुड। गुड मीन्स अच्छा, लेकिन अगर उसमें एस लग जाए तो बन जाता है गुड्स। और वाणिज्य की भाषा में इसका मतलब होता है माल। माल वास्तव में क्या होता है, इसको जानना एक वाणिज्य पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल साधारण भाषा में अगर चर्चा किया जाए तो माल किसी भी व्यापारी के द्वारा क्रय किया गया वह वस्तु है जिसे क्रय करने का उद्देश्य विक्रय करना हो। मींस ऐसी वस्तुएं जिन्हें बेचने के लिए किसी व्यापारी द्वारा क्रय किया जाता है वो क्या कहलाएगा, माल। मींस जो माल की परिभाषा है, वो माल की परिभाषा है कि जिन वस्तुओं का व्यापारी क्रय विक्रय करता है, या ऐसी वस्तुएं, इसे आप लिख सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय अधिक मूल्य पर विक्रय, ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य अधिक मूल्य पर विक्रय करके लाभ कमाना है, माल है। मीन्स वे वस्तुएं जिन्हें कोई व्यापारी इस उद्देश्य से खरीदता है कि उसे कुछ अधिक मूल्य पर बेचकर उससे वो लाभ कमाएगा, यह माल कहलाता है। अब इस माल को थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए हम देखें, सपोज दैट कोई एक कपड़ा व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी, उसकी दुकान में कपड़ा रखा हुआ है जिसे वो इसलिए खरीदा है जिससे वो उसे बेच सके, लेकिन इस कपड़े के साथ साथ उसकी दुकान में कुछ फर्नीचर भी है, कुर्सी है, बेंच है, मेज है, कुछ पंखे वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें उसके लिए माल नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए संपत्तियां होंगी। यद्यपि दुकान में ये चीजें हैं, इन्हें भी वो खरीद के लाया है, लेकिन इनका उद्देश्य बेचकर लाभ कमाना नहीं है, इसलिए ये वस्तुएं संपत्ति कहलाती हैं। मीन्स ये क्लियर हो गया कि जिन वस्तुओं को व्यवसाय में खरीद के लाया जाए और उन वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाने का उद्देश्य हो, वास्तव में वही माल कहलाती है। लेकिन वहीं अगर कोई फर्नीचर व्यापारी है, फर्नीचर व्यापारी है और उसकी दुकान में कुर्सी, मेज, बेंच, ये सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो उसके लिए ये सारी वस्तुएं माल होंगी, लेकिन कपड़ा व्यापारी के लिए वे वस्तुएं माल नहीं होंगी। बल्कि कपड़ा व्यापारी के लिए माल होगा कपड़ा और फर्नीचर व्यापारी के लिए माल होगा फर्नीचर।
कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फर्नीचर व्यापारी है, सपोज दैट इसके पास जो माल बिकता है उसमें है कुर्सी, मेज, बेंच, बेड, आलमारी, इन वस्तुओं का कोई व्यापारी है और जो माल वो खरीद के लाया है, जो वस्तुएं वो खरीद के लाया है उसमें से इन कुर्सियों में से दो कुर्सी और एक मेज वो अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मीन्स दुकान में निकाल लेता है कि हम इस कुर्सी पर बैठेंगे और इस मेज पर रख कर हिसाब लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये दो कुर्सी और एक मेज माल नहीं रह जाएगा क्योंकि इनका उद्देश्य चेंज हो गया। मीन्स क्लियर है बिल्कुल कि जिन वस्तुओं को व्यवसाय में इस उद्देश्य के लिए रखा गया हो कि उन्हें कुछ अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाया जाए, सिर्फ वही माल कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि माल की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि माल का उद्देश्य है बार बार क्रय करना और उसको उससे अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना। पहले एक गुड्स अकाउंट बना करता था, माल खाता बनता था, लेकिन अब माल खाता नहीं बनता है बल्कि माल खाते का कुछ पार्ट में इसकी प्रकृति के अनुसार विभाजन कर दिया गया है। मींस जहां पहले गुड्स अकाउंट बनाया जाता था ये एक गलत कॉन्सेप्ट साबित हुआ, इसलिए इस गुड्स अकाउंट की जगह पर अब गुड्स से रिलेटेड जो क्रियाएं की जाती हैं, गुड्स से जो गुड्स के साथ लेन देन करने की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार इस खाते को चार भागों में मेनली बांट दिया गया है, जिसमें से पहला हमारा है क्रय खाता। क्रय खाता जिसको इंग्लिश में परचेजेस अकाउंट या परचेज अकाउंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें हमारा हो जाएगा विक्रय खाता, जिसे हम सेल्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा क्रय वापसी खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, और चौथा हो जाता है हमारा विक्रय वापसी खाता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। मींस इस माल खाते को इसकी प्रकृति के अनुसार, इसकी क्रिया के अनुसार इसे चार भागों में बांट दिया गया है, परचेज अकाउंट क्रय खाता, सेल्स अकाउंट विक्रय खाता, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रय वापसी खाता, सेल्स रिटर्न अकाउंट विक्रय वापसी खाता। अब हम इन चारों को अलग अलग थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें से हम सबसे पहले ले लेते हैं परचेज अकाउंट। क्रय खाता, अब इस क्रय खाते में दो तरह के हमारे क्रय होंगे। एक क्रय तो हमारा होगा कैश, हम नकद खरीदेंगे, और दूसरा परचेज हमारा होगा क्रेडिट, हम उधार खरीदेंगे। मींस अगर हम परचेज कर रहे हैं, चाहे हम नकद खरीद रहे हो और चाहे हम उधार खरीद रहे हो, इन दोनों को परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। परचेज अकाउंट में यदि हम नकद खरीदते हैं तो इसमें दो पक्ष होंगे, हमारी तरफ से कैश होगा क्योंकि हमारे पास से नकद जाएगा, और दूसरा हमारा जो पक्ष होगा होगा परचेज क्योंकि हमने क्रय किया और उसके बदले हमने रोकड़ दिया। तो दो पक्ष इसके बनेंगे, और अगर हम उधार खरीदते हैं तो भी दो पक्ष बनेगा, हमारे लिए एक पक्ष तो बनेगा परचेज क्योंकि हम खरीद रहे हैं, और दूसरा हमें उस व्यक्ति को भी जानना पड़ेगा जिससे हम उधार
खरीद रहे हैं तो दूसरा पक्ष हमारा हो जाएगा उधार देने वाला व्यक्ति। तो परचेज में दोनों तरह के क्रय को शामिल किया जाता है, चाहे वो नकद क्रय हो और चाहे वो उधार क्रय हो। तो परचेज अकाउंट को हम परिभाषित कर सकते हैं कि क्रय खाते में उस माल के क्रय को शामिल किया जाता है जिसे बेचकर लाभ कमाने का उद्देश्य हो, और इसके अंदर नकद क्रय और उधार क्रय दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता। जैसे आपने परचेज अकाउंट को देखा, एज इट इज सेल्स अकाउंट भी है। सेल्स में भी दो तरह की सेल्स होती हैं, या तो व्यापारी कैश सेल करेगा या फिर वो क्रेडिट सेल करेगा। क्योंकि कल आपसे चर्चा हुई है कि ये साख का युग है, उधार का युग है। तो मींस नकद भी बेचा जा सकता है और उधार भी बेचा जा सकता है। इन दोनों को जोड़कर सेल्स अकाउंट बनता है। मींस हम जो भी माल बेचते हैं, चाहे वो हम नकद बेचें चाहे हम उधार बेचें, उसे सेल्स अकाउंट के थ्रू ही काउंट किया जाता है। सेल्स अकाउंट में ही इसको लिखा जाता है। यहां पे भी दो बातें होती हैं। अगर हम कैश सेल करते हैं तो एक पक्ष तो हमारा होता है कि हमने बेचा, विक्रय खाता एक बनता है, और दूसरा बेचने के बदले हमें नकद मिला, दूसरा कैश अकाउंट हमारा बन जाता है। दूसरा, यदि हमने माल को उधार बेचा, तो उधार बेचा तो एक तो हमने बेचा तो एक सेल्स अकाउंट हमारा हो गया, और दूसरा हमने जिसे उधार बेचा फिर उस पक्ष का नाम हो जाएगा, क्योंकि हमें उस पक्ष को याद रखना पड़ेगा, हमने उसको उधार बेचा है। तो यहाँ पे भी दो पक्ष और यहाँ पे भी दो पक्ष होंगे, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि वास्तव में डबल एंट्री सिस्टम का दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है। तो यहाँ पे सेल्स में चाहे वो कैश सेल हो चाहे वो क्रेडिट सेल हो, दोनों सेल्स को मेंशन किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है गुड्स का, वो है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। इसमें क्या होता है कि व्यापारी जब माल खरीदता है तो माल खरीदने के पहले वो बेचने वाले व्यापारी को अपनी कुछ शर्तें बताता है कि माल हमारा किस किस्म का होना चाहिए, माल हमारा किस क्वालिटी का होना चाहिए, माल का क्या रेट लगना चाहिए, माल पे क्या क्या सुविधाएं हमें चाहिए, किस किस डेट के अंदर माल हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं आपको, सपोज दैट कोई कपड़े का व्यापारी है और उसने बरसात में ही ऑर्डर लगा दिया कि हमें ठंडी में हमें इस मात्रा में इतने कपड़े ये चाहिए, ये गर्म कपड़े चाहिए, लेकिन विक्रेता ने उसे ठंडी बीत जाने के बाद कपड़ा उसके पास डिलीवरी दिया, तो क्या करेगा क्रेता, क्या करेगा क्रय करने वाला, जाहिर सी बात है उस माल को वापस कर देगा। तो किसी भी कारण से खरीदा हुआ माल यदि वापस कर दिया जाता है, चाहे वो समय से माल ना पहुंचा हो इसलिए वो वापस कर दिया जा रहा हो, चाहे माल की किस्म क्रेता के इच्छा के अनुसार ना हो इसलिए वापस कर दिया जा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जितनी क्वांटिटी क्रेता ने मंगाई है उससे ज्यादा क्वांटिटी उसने डिलीवरी कर दिया हो, तो जितना एक्स्ट्रा आता है उसको भी ये क्या करता है, वापस कर देता है। तो कारण कुछ भी हो और उसमें यदि खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो इसका लेखा जिस खाते में किया जाता है उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रय वापसी खाता। इसमें लिख सकते हैं कि क्रय किया हुआ माल किसी भी कारण से यदि विक्रेता को वापस कर दिया जाता है तो इसका लेखा क्रय वापसी पुस्तक में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न अकाउंट। विक्रय वापसी खाता, जैसे क्रय वापसी है मींस आपने किसी से माल खरीदा और आपकी पसंद का
ना होने के कारण, आपकी इच्छा अनुसार ना होने के कारण आपने उस माल को वापस कर दिया। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को माल बेचा, तो यहां पे आप विक्रेता हो जाएंगे और वह व्यक्ति क्रेता हो जाएगा। तो और वो जो माल आपने बेचा है अगर उस क्रेता को किसी कारण से पसंद नहीं आता है तो वो माल आपको क्या करेगा, जाहिर सी बात है वापस कर देगा। तो जब माल आपके पास वापस आया मींस ये बेचा हुआ माल वापस आया, मींस सेल्स, बेचा था आपने, सेल्स किया था और अब वो रिटर्न आ गया, मींस सेल्स रिटर्न हो गया। इसका मतलब यदि बेचा हुआ माल किसी भी कारण से वापस आता है तो इसका लेखा विक्रय वापसी पुस्तक सेल्स रिटर्न अकाउंट में किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि वास्तव में माल क्या होता है और माल खाते का विभाजन, क्योंकि अब माल खाता नहीं बनता, गुड्स अकाउंट नहीं बनता, तो इस गुड्स अकाउंट को विभाजित कर दिया जाता है मुख्य रूप से चार पार्ट में, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। मैंने इंडिविजुअली सारे के बारे में आपको बता दिया कि व्हाट इज परचेज अकाउंट, व्हाट इज सेल्स अकाउंट, व्हाट इज परचेज रिटर्न अकाउंट एंड व्हाट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। इस वीडियो में अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।